वत्स मंत्र दिशोमि ग्रंथराय शंभु स्त्रोत में भगवान कुंतना स्वामी का स्तवन करते हुए यह पर अंतरंग बहिरंग तप की व्याख्या कर रहे हैं। जो लोग बहिरंग तप को महत्व नहीं देते वे पूर्ण अज्ञानी हैं। वो बहिरंग तप को ही तपते रहते, अंतरंग पर लक्ष्य नहीं है, वे भी अज्ञानी है। अंतरंग तप के अभाव में बहिरंग तप मोक्ष प्राप्ति में अकिंचित करे, स्वर्ग भेज सकते आपकी मंद कसाय से किया। अंतरंग तप के साथ न कहकर के बहिरंग तप के साथ अंतरंग तप पकेगा वही मोक्ष जा पाएगा। दूसरा प्रश्न, अंतरंग जो तप है उसे अंतरंग से तपना चाहिए, इस शब्द का प्रयोग करो आप। अंतरंग तप है, अंतरंग तप के साथ करना चाहिए। प्राश्चित बह्यवृत्ति आदि जो तप हैं इन तपों के अंदर भी आत्मविशुद्धि है तो ही अंतरंग तप है। परंपरागत आप प्राश्चित ले रहे हो, चलो अब संग में है, किसी जीव की बराधना हो गई है इसलिए अपन को प्राश्चित ले लेना चाहिए, नहीं कोई क्या कहेगा, ऐसा करके नहीं। उस जीव के प्रति क्या भाव आया आपका, उसके तो प्राण चले गए, उसका क्या होगा। अंतरंग करुणा ही कि नहीं, करुणा भाव झलका ही नहीं, ठीक है चीटी गई है, तीन कार सुर्ख मिल जाएंगे तो ऐसे भी जीव मिलेंगे आपको, वो तो मिलने ही थे, तीन कार हम ही कर रहे, चलो आलोचना भी की आवश्यकता। यहाँ खोजना चाहिए श्रम कर लिए और आलोचना करके गुरु से लिए विशुद्धि का खोजो, विशुद्धि खोजो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो अंतरंग तप आपका है वो अंतरंग तप भी अंतरंग भाव से होना चाहिए। बहिरंग भाव से अंतरंग तप किया, बह्यवृत्ति अंतरंग तप है। अब मान लो कि चलो ये अब कर दो, नहीं कल हमको जरूरत पड़ेगी तो फिर भाई कौन करेगा, इस भावना से कर रहे हो तो तप में नहीं आ रहा हो, वो तो व्यवहार चल रहा है। हम तुम्हारे घर में काम करा रहे तो हमें आवश्यक थोड़ी तुम्हारे घर में काम कर दोगे, तो ऐसे प्रवृत्ति चल रही है। अंतरंग भाव आ रहे हैं, बह्यवृत्ति इनकी रत्नात्रि की निर्मल साधना हो, इस भावना से युक्त अपेत केतवा, दो बिंदु पर बह्यवृत्ति करना चाहिए, अपेत केतवा और निकांचित भाव। मायाचारी न हो और कामना न हो, धर्म मान के करोगे, धर्म मान के करोगे तो बह्यवृत्ति कहलाएगी। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं बहिरंग तब भी अंतरंग तब किस दिग लिए हैं, ऐसा समन्त स्वामी समझा रहे हैं। किम पुनः तत्परामुखे भूत्वा कृत्वा मिथ्या, विषय कषाय से परांगमुख होकर के भगवान ने क्या किया। भयं तपा परम दुस्तरे माचरस्त्व, आध्यात्मिकस्य तपसा परिवृण्णार्थम्। ध्यानं निरस्य कलिषे मुत्ररस्मिन्, ध्याने द्वये अस्य उपपन्ने, you
बाह्यम तपा बहिरंग तप तपे परम दुश्चर दुश्चर तप। धन्य भी मुनीश्वर, ग्रीष्म काल में पर्वत के शिखर पर ध्यान लगाए, शीत काल में सरोवर के नीचे तट पर बैठे, बरसात काल में तरुतल बैठे और रिमझिम रिमझिम पानी की बूंदें तन पर गिरती, अंतरंग में तत्व ज्ञान के निर्जल झरने झरते, जहाँ सूर्य से ताप से शरीर सूख रहा है, ध्यान के ताप से कर्म सूख रहे हैं, जहाँ शीत की लहरों से शरीर ठिठुर रहा है, वहीं कसाएं उपशम भाव को प्राप्त हो रही हैं। ऐसी दशा जिनकी है वे बीत रागे श्रमण कोटि कोटि प्रणम में है, ये है मुनि दशा, जिनकी दृष्टि आहरनिश देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो, ये सूत्र गूंजना चाहिए प्रतिक्षण। बोले जिन पर राग है उनके दुख सुख में तुम रो लोगे, संसार में कितने दुखी लोग हैं, किनको किनको रोगे, देखो जानो जाने दो। अधिक प्रसन्नता को भी नहीं झेल सकते आप, विश्वास मानिए, दीर्घ समय तक प्रसन्नता झेल नहीं सकते, एक सामान्य जीवन चाहिए। आप कभी सिटियों में होते हो, कभी गांव कस्बों में होते हो, कभी जंगलों में होते हो, इसलिए आप आनंद में होते हो। रात्रि में आप जंगलों में सो रहे हो, खेतों में सो रहे हो, ये आपकी औषधि है, शरीर के लिए भी और चित्त के लिए भी। साधुओं का विहार जो है ये औषधि है उनके लिए, राग देश की हानि के लिए औषधि है। लंबे लंबे विहार होना चाहिए मुनियों के, जिससे कि दीर्घ समय तक एक ही स्थान के चेहरे ना दिखें, बेबी चेहरे दिखें, तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि में अंतर आएगा, राग देश बढ़ेगा। जो धर्म ध्यान की बात करते थे वे कुटुंब की बात लेके आएंगे, रोना रोएंगे यहाँ पर आकर के, समझ रहे ना आप, इसलिए दूर विहार कर जाओ, जब तक परिचय बढ़े तब तक अगला विहार हो जाए, यह जैन मुनियों का धर्म। पूर्व में लंबे समय तक मुनिराज कभी नहीं रुकते थे, आजकल लोगों ने परपाटी बना ली रुकने की, वो विहार करने को दोष मानने लगे, ओ इतना लंबे विहार, यूं कहना चाहिए हमारी मृदुलचर्या है जो कि हम रुके एक स्थान पर लंबे समय तक, होना ये चाहिए कि आपको दीर्घ विहार करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक साधु दीर्घ दीर्घ विहार करें, बोला तो समाज में साधुओं के नाम पर संप्रदाय नहीं बन सकता। तो इसलिए अब ये देख लेते मौसम के अनुकूल था और बिहार ही नहीं करे, तब तक जब तक पूर्ण राग में लिप्त ना हो जाए, फिर दूसरे के लिए फिर स्थान ही ना हो पाए, स्थान बनाने के लिए रुके हैं। इसलिए जो विरक्त हैं वही बिहार कर पाएंगे, आसक्त बिहार कर नहीं पाएंगे, बहाने कितने बनाते रहें कहीं ना कहीं आ सकती है। विरक्त प्राण से प्राण, इसलिए यहाँ पर आपके चिंतन चल नहीं सकते, यहाँ तो बाह्यम तप है, जो बहिरंग तप है परम दुस्तर, दुस्तर तप किया, कैसा किया, दुस्तर तप किया। अब सुनिए, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर ध्यान रखती है, नहीं तो सम के सागर सुन रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है बेटा कमरे की गर्मी सहन करने की, वो छत पर जाके चढ़ गए और शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ गया,
तो फिर आगे मैं भी कहता है ये मरने की अपेक्षा से साधना करते तो ज़्यादा अच्छा था, संकलेशता की अपेक्षा से। इसलिए जम सक्के तम की रही जम न सक्के तम सद्धर्णम सद्धे मानो जीव पावी अजरवर्णम ठाणम। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतनी तपस्या करो, सामर्थ्य नहीं तो श्रद्धा करो, उस तपस्या पर अविश्वास नहीं करो, श्रद्धा करो। सद्धे मानो जीवो पावी अजरवर्णम ठाणम, जो श्रद्धावान जीव है वो अजर अमर स्थान को प्राप्त कर लेता है। समझ रहे ना, शक्ति से ज्यादा करना नहीं और शक्ति को छुपा करके चोरी करना नहीं, यही वीर्याचार है, यही वीर्याचार है। क्योंकि अब बहिरंग तब मालूम चलो बहिरंग बहिरंग करते रहे, अंतरंग सामायिक में तो सो गए, अन्य स्वाध्य में कोई ललक नहीं है, स्वाध्य में ललक नहीं है, अध्ययन में कोई ललक नहीं है, तो मात्र तुम सूखे सूखे तपस्या करते भी रहे, अंतंग पर तो दृष्टि होना चाहिए। इतना बहिरंग तप तपो जिससे अंतरंग तप करने की सामर्थ्य बची रहे, दूसरे साधु सेवा कर सको, उत्साह बना रहे आपके पास, उमंग रहे। आध्यात्म तपसा परिभ्रमणार्थम, आध्यात्म तप की वृद्धि के लिए प्रभु ने वैरंग तप तपा है। इसलिए जो गृहस्थ हैं शास्त्रों को पढ़ भी लिए हैं बोला और एकदम साधना के विरुद्ध कथन करना प्रारंभ हो चुका है, तब से कुछ नहीं होता है, उन विचारों पर करुणा करके आचार्य महाराज कह रहे हैं ये तुम्हारा शास्त्र ज्ञान काम में नहीं आएगा। मोक्ष मार्ग में उतने ही ज्ञान कार्यकारी है जिसने आत्मा की विशुद्धि है, और आत्मा की विशुद्धि पूर्वक तुमने तपस्या की है तो तुष्मा भिन्नम का पाठ करने वाला भी मुक्त चला जाएगा। इसलिए सर्वथा नहीं कह सकते हो तुम कुछ नहीं जानते तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। अरे कुछ क्या नहीं जानते, निज आत्म तत्व को जान लो फिर जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन चर्या वैसे दिखना चाहिए, ये जरूर बोलना पड़ेगा, चर्या वैसे दिखना चाहिए। और जो लक्ष्य बना के रवि निकलता घर से व्यक्ति, वो लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए जीव को, ठीक है। अब सुनिए, जो लक्षणात्मक ज्ञान है वहाँ इसकी व्याख्या नहीं कर रहे, वो तो त्रिकालिक ज्ञान है, उपयोग लक्षणम, वो तो ज्ञान दर्शन रहेगा नियम से जीव के। लेकिन जो छोषम है ना, छोषम, किसी को प्रथमा नियोग पढ़ने का छोषम, किसी को करुणा नियोग, किसी द्रव्य नियोग, किसी चरणा नियोग, किसी को चारों अनियोग पढ़ने का छोषम, कोई कुछ भी नहीं जानता बेचारा, मार नमुकार जानता, नमुकार भी नहीं जानता है, ओम नमः सिद्धेभ्यः करना जानता वो भी नहीं जानता है, ओम कहना जानता है, ऐसा जीव जो है वो भी भावों की विशुद्धि से शुक्ल चाद्य पूर्वधा सूत्र कह रहा है, परंतु भाव स्रोत की दृष्टि से जीव निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। अष्ट प्रजन मात्रा ज्ञान होना चाहिए, पांच समति तीन गुप्ति। बोलो राकेश पंडित बराबर, ध्यानम निरस है, इसलिए अब ये कुछ लोग प्रमाण करने लग जाए, जैन सागर जैसे लोग बोले अष्ट प्रवचन मात्र का हमें ज्ञान है, बे गुप्तियां गिनाना समझे ना, कोई कुछ बनता है बच्चा भी गिना देगा। उन सब समति गुप्तियों के अनुसार प्रवृत्ति और विशुद्धि वो अनिवार्य है, और जो अध्ययन आप कर रहे हो ये जो बाल्य युवावस्था में मैंने दीक्षा ली है, इस दीक्षा को संभालोगे कैसे, इस दीक्षा को संभालोगे कैसे? जैसे पौधे को बाड़ी लगा कर पानी डालता बागवान, तब वृक्ष बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है तो स्वयं पानी लेने लगता जमीन के अंदर से ही, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं। ऐसे ही तुम बाल लो भी, बाल मुनि, बाल मुनियों को तो जिनवाणी के नीर से ही तुम बढ़ पाओगे, और गुरु के अनुशासन की बाड़ी में लगे रहोगे, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम स्वयं केवल ज्ञान प्रकट कर लोगे, फिर आपको बाहर के स्रोत की जरूरत ही नहीं है। बोलो महात्मा जी, पर जब तक केवल नहीं हुआ है वही अवस्था युवावस्था को जीवित रखना है तो आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा, और नहीं कर रहे अध्ययन तो चित्त कहीं ना कहीं भटक रहा है, 100% चित्र भटक रहा है अन्य किसी काम में, घंटों घंटों के जीवन पूरे निकल जाते व्यक्ति का,
जीवन निकल जाता है। ध्यानम निरस्य कलशे द्वैरुत्मस, हे प्रभु आपने दो कलुषित ध्यानों को निरस्त किया, आर्त ध्यान और रोध ध्यान, ये दो कलुषित ध्यान हैं, इनको क्या किया, निरस्त। रवि जी कुछ मुनिराज आए नहीं नवे नए, इन पर दया हो तो बुला लाओ, सिद्धार्थ आदि आदि सब। ध्यानम निरस, देखो कितना सुंदर शब्द का प्रयोग है, ध्यानम निरस, ध्यान को क्या किया, निरस किया। कौन से ध्यान, कलुष द्वे, जो कलुषता उत्पन्न दो कलुषित ध्यान है, आर्त ध्यान और रोध ध्यान, आर्त ध्यान रोध ध्यान, एक कलुषित ध्यान है। मूत्रस्मिन, और उत्तर के दो ध्यान, तो देखो जैसे शुक्ले चाद्य पूर्विधा ना, परे मोक्ष हेतु, पर के दो ध्यान मुच केतु हैं, उत्तरस्मिन, उत्तरस्मिन क्या लगाना, परे मोक्ष हेतु, बहुत बढ़िया। ध्यानम द्वे, इन दो ध्यानों की वृद्धि के लिए प्रवृत्ते अत्स्योपपन्ने, जो अत्स्य को प्राप्त करने वाले हैं उन दो ध्यानों पर वो स्थिर हुए। धर्मध्यान शुक्ल ध्यान दोनों ध्यान ये मुच केतु है, चार प्रकार है धर्म ध्यान और चार प्रकार शुक्ल ध्यान, आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ठीक है। तो ये ध्यान क्या है आपको, मुच कारण है, एकत्व तर्क, पृथकत्व तर्क, पृथक तर्क, एकत्व तर्क, सूक्ष्म क्रिया विपरीत की निवृत्ति, ये जो शुक्ल ध्यान है ये मोक्ष के हेतु है। आचार आचरत तुम आचरतवान, जो आचरण करते सो आचारवान, ये सब संस्थान बच्चे का भेद है। तुम कुंत जिन, कौन है कुंत जिन, किम तत्, हाँ किम तत्, क्या, देखो अंकित कितना सुंदर सहज अवसर मिल रहा आप सबको, रात्रि वह तुम जंगलों में हो, खेतों में, लोग तड़पते हैं, कहते हैं कमरों में बैठ करके, बे मुर्जा कैसे जंगलों में रहते होंगे, लोगों को आश्चर्य लगता है, अब तुम्हें कोई आश्चर्य क्यों भाई, सारे सब तुम तो बियवान जंगलों में रुके हैं, बियवान जंगलों में, ठीक है। लेकिन रात्रि है, कहीं झिंगरी झिंगरी आ रहे हैं, कहीं आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ तुम बैठो शांति से, ठीक है, वहाँ देखो, अब वहाँ तुम सोच रहे हो ठंडी चटाई में घुस जाओ, तो वहाँ तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा कि अवसर मिला है, लोग तड़पते हैं, भोले तड़पते हैं कि सूर्य के आकाश के तारे दिख जाए सिटियों में, और यहाँ पर तो वो पूरे तारे दिख रहे हैं, दिल्ली वाले तड़पते हैं कहीं स्वच्छ वायु मिल जाए, इसलिए किम तत् तपहा कथम भूतम बाह्यम अनसना लक्षणम, बाह्य अनसना लक्षण किम विशिष्टम, और ये अंतरंग बहिरंग पूरे तप, ये नई आत्मा का स्वभाव, इसका निर्णय करना है, ये अंतरंग बहिरंग दोनों ही तप, नई आत्मा का स्वभाव, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को प्रकट करने की विधि है, उसका नाम है अंतरंग बहिरंग तप। चाहे तुम तवे को तपालो कितनी, अग्नि लगा लो कितनी, लेकिन ऊपर सिकने वाली सामग्री नहीं है तो तपे तप तपा तपाने से क्या लाभ, जैसे तवे को तपाने से कोई लाभ नहीं है, तपा तवा तुम तपा रहे हो, अग्नि जला रहे हो, लेकिन साथ में लोई रोटी होना चाहिए। इसी प्रकार से निर्णय 24 घंटे होता है, काम नहीं चलेगा इससे, नहीं बोला आप समझा करो, नहीं चलेगा काम, विश्वास मानो, एक बार का निर्णय के बाद भी व्यक्ति मिथ्यात्म में डूबता है। आप तो गुड़स्तान पड़े ना बेटा,
ग्यारहवें गुलिस्तान में पहुंचा, धड़ाम से नीचे गिरा कि नहीं गिरा? निर्णय बिगड़ा। इसके लिए बोला बार बार निर्णय चाहिए, बार बार निर्णय चाहिए। प्रश्न ये, इसको आपको दृष्टांत लगाना चाहिए। दृष्टांत नाम लगाओ साइकिल का पैडल, सबसे सुंदर दृष्टांत है। जब आप अपन चले उस पर एक पहले पैडल, पहले ही पैडल में तो भागने लगती है, ठीक है, प्रथम पैडल भागती है, और तुमने फिर नहीं लगाया पैडल तो रुकी के गिरी, रुकी के गिरी। आपको बार बार पैडल लगाना पड़ेंगे तो फिर आगे आगे बढ़ती जाती है। जैसे दो चक्के की साइकिल को यदि रुकी तो गिर पड़ेगी, ऐसी तुम्हारी भावना रुकी, तत्व निर्णय रुका कि गिरा, साधु रुका गिरा। साइकिल तभी तक दौड़ती है जब पैडल लगते रहे, दौड़ती रहे तो चलती रहेगी, स्वयं दौड़ेगी तुम्हें चलाएगी, और रुकी तो स्वयं गिरेगी, जो चढ़ा उसको गिराएगी। ऐसे ही चारित्र है, इसको संभाल करके भावना के ऊपर चारित्र। भेद विज्ञान भोला एक दिन का काम नहीं है, प्रतिक्षण का काम है, और उत्तरोत्तर भेद विज्ञान के बल पर ही गुणस्थान बढ़ता है। आप स्वयं कोमर सा जीवकांड पढ़े, कर्मकांड पढ़ गए क्या, 24 साल पढ़ रहे हो, उसमें आप खोजो, खोजो कि ध्यान भी गुणस्थान क्रम से बढ़ता है, ध्यान भी गुणस्थान क्रम से बढ़ता है। चौथे गुणस्थान करा तुम शुक्र ध्यान, चुनौती चौथे गुणस्थान वाले को, ठीक है, नहीं चढ़ सकते हो। चारित्र के बल पर विशुद्धि बनेगी, और चारित्र के बल विशुद्धि के बल पर तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा, और ध्यान के बल पर केवल ज्ञान आएगा, और केवल ज्ञान के बल पर तुम्हें निर्वाण मिलेगा। इसलिए निर्णय भी गुणस्थान के हिसाब से बढ़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं। उधर देखो मेरी तरफ, वो दीपक साह कहाँ गएगा, नहीं इनसे मिलो, इन्होंने मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में आकर कितने सारे पंचरण तुम्हारे साथ देखे, देखे बहुत देखे, देखो इधर। लेकिन अब ये करवाने जा रहे हैं, अब इनसे पूछो क्या अंतर आ रहा है। वहां देख के आने लूट के भगे आते थे, अब यह समझ में आ रहा है कि एक माचिस भी चाहिए तो लाना पड़ेगी वहां पर, बराबर, ऐसी धूप में बेचारा लगा है। बस पंडित विमल कुमार सौर्य बोले सुब्रत साहब हमसे, बोले महाराज जी समझ में आ गया, अभी तक तो हम बस्तर लेकर पहुंच जाते थे, उप सारी प्रतिष्ठा करा के आ गए, सैकड़ों प्रतिष्ठा करा दी, लेकिन मदनपुर में बोले, बोले महाराज जब स्वयं करने बैठते स्वयं के लिए, हमें झाड़ पंडित जी को हमने झाड़ू लगाते देखा, हम शुद्धि से आ रहे सोच से, पंडित जी झाड़ू लगा रहे थे, हमने पंडित जी आप क्या कर रहे हो, बोले महाराज अब समझ में आ गई, अब समझ में आ गई कि करने पौने में कितना अंतर, करवाने में कितना अंतर है। बस आप मित्र ऐसे ये अपना संग है, पहुंच जाता ये चले गए। उन महाराज से पूछो जो पूरे मंदिर से शुरू करा रहे हैं, उपचारे शिखर पर कलश ध्वजा तक लहरा रहे हैं, कैसे करा पाते हैं, उनका पूरा जीवन एक मंदिर में चला जाता है। नहीं सौंप रहे, आइए भाई समय देखो, तो आप तो बने बना को ये सूर्य मंदिर दो ये जा रहे हैं, उन लोगों देखो श्रावकों से पूछो, उन महाराजों से पूछो, श्रावक फिर भी जल्दी बना के निपट जाता है, जो महाराज बनवा रहे हैं उनका तो पूरा जीवन वहीं निकल रहा है, फिर उनको टिटई पक्षी जैसा जीना पड़ता है। निर्णय जो होगा पूर्व के साथ अपूर्व निर्णय होना चाहिए, इस शब्द पर ध्यान दो, मैं प्रमाण देता हूँ अभी एक मिनट के अंदर। पूर्व के साथ अपूर होगा तभी अपूर हो पाएगा। कुछ कहोगे आप, मैंने पहले ही सही बोले, अब क्या कहेंगे, अब बोला इधर देखो, पूर्व के साथ ही अपूर हो सकता है, पूर्व नहीं, मेरे मित्र ध्यान दो, मैं कितनी गहरी बात बोल रहा हूं, पूर्व नहीं तो पूर्व हो ही नहीं सकता। समंतद स्वामी ने जब प्रतिमाओं की व्याख्या की तो उन्होंने कहा पूर्व गुड़े सहा, यदि तुम्हारी दो पहली प्रतिमा है, तुमने 10 प्रतिमा ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे की सब समाप्त हो जाएंगी, वे प्रतिमाएं रहेंगी नियम से, तभी 10वीं प्रतिमा आ पाएगी। इसी प्रकार से जो अपूर्व पूर्व आनंद ले रहा है गुणस्थान का, अपूर्व तो जो गुणस्थान माने कि सप्तम गुणस्थान में कोई जीव है, अपूर्व कण की ओर जा रहा है, अपूर्व पूर्व आनंद ले रहा है, तो क्या सप्तम गुणस्थान समाप्त हो गया,
वो रहेगा ही नियम से, अपूर्व अपूर्व तभी होगा जब पूर्व होगा, ठीक है। आइए, आप पूरे उल्टे गिर गए, उल्टे गिर गया बच्चा। अरे भाई, अनुभव एक का ही होगा, परंतु जो सीढ़ियां है ना, सीढ़ियां वे हट नहीं जाएंगी, वे तो रहेंगी पूरी, लेकिन जो ऊपर है उसका रोहन करेगा। चलो, अपूर कर रहा है, लेकिन अपूर का अभाव नहीं है वहां, गुणस्थान का अभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि दस में गुणस्थान चला गया तो सात में गुणस्थान समाप्त हो गया उसका, समाप्त हो गया उस जीव के सात में गुणस्थान रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले बताओ। वहां पर सुनिए ध्यान से, ए बालक, गुणस्थानों का विनाश नहीं हुआ है, गुणस्थानों की वृद्धि हुई है। अभाव नहीं मानना चाहिए, वे विद्वान रहेंगे लेकिन उनकी अनुभूति नहीं होगी। बस मित्र, अब आपको मैं कल मिलता हूँ, बहुत बड़ी टीका है, शेष आगे विचार करेंगे, विषय के विचार करना है। भगवत भट्ट टकलंग स्वामी लगी स्त्र ग्रंथ में छठवें परिच्छेद में बारहवीं कारिका में श्रुत के दो उपयोग बता रहे थे, श्याद बात उन्नह, अंशग्राही नह और सकलार्थग्राही श्याद बात प्रमाण। अब छह द्रव्यों में अनेकांत व्याप्त है, उस अनेकांत को कैसे समझा जाए। छह द्रव्यों में अनेकांत है, ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो अनेकांश शून्य हो, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं जो अनेकांश शून्य हो। प्रत्येक द्रव्य में साधारण असाधारण उभय धर्म पाए जाते, तीन धर्म। कोई भी वस्तु को उठा के देख लीजिए तो धर्मात्मक है, साधारण गुण भी है उसके अंदर, असाधारण गुण भी है, उभय धर्मी है, उभय गुण भी है। तो प्रत्येक द्रव्य के धर्मों की व्याख्या की, कल उन्होंने जीव द्रव्य के बारे में समझाया, आज पुद्गल के बारे में समझना है। पुद्गलः पुनः, स्पर्श रस गंध वर्ण रस, ये गुण कितने पुद्गल के, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार गुण पुद्गल के असाधारण ही। ये पुद्गल के अन्य द्रव्य के अपेक्षा से असाधारण गुण है। आलाप पद्धति में आपने पढ़ा है, अंत चत्तार गुण सुजाति पे सामान गुण बीजाति पे तेव विशेष गुण, अंत के चार चार गुण हैं, सुजाति अपेक्षा से सामान्य गुण हैं और बीजाति अपेक्षा वे ही विशेष गुण, जो विशेष गुण है वे ही असाधारण होते हैं। इसलिए तो असाधारण है, जो विशेष असाधारण होते हैं, इसलिए अन्य में नहीं पाए जाते, इसलिए असाधारण है। जो गुण अन्य गुणों द्रव्य में नहीं पाए जाए, द्रव्य विशेष में पाए जाए, इसलिए पर द्रव्यों की पहचान से वो विशेष गुण है। जैसे अस्तित्व गुण है वो संपूर्ण द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए सामान्य गुण है, असाधारण नहीं है, साधारण गुण है।